अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है सफ़ायर पे, और सफ़ायर की जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ कलेक्शन शेयर कर चुकी हूँ। इवन उनकी न्यू कलेक्शन भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा जो इनकी जब सेल स्टार्ट हुई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और अब जब इनकी सेल एंड हो गई है तब भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो इनकी सेल में जो है जो ड्रेसेस थे वो बिल्कुल जो एंडिंग सेल थी, जब ये सेल एंड होने वाली थी तब आप जो इनकी कलेक्शन देख सकते हैं किस तरह की कलेक्शन इनके पास अवेलेबल थी। और स्टार्ट में जो है इनके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन अवेलेबल थी, और एट द एंड सेल जब सफ़ायर पे सेल लगती है एट द एंड जो है इनके पास इसी तरह की वैरायटी जो है वो रह जाती है। और इसमें जो है फिर आप लोग जो हैं वो जो है इसी तरह के जो बाकी जो कोई परचेज़ नहीं करता या जो बहुत रिमेनिंग जो चीज़ें बच जाती हैं वो आप लोगों के लिए रह जाती हैं। सो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें जो है जो सफ़ायर है इस पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो सके कि जब भी सफ़ायर पे सेल लगती है देखें एट द एंड जो है इनके पास जो है वो इस तरह की वैरायटी है। फिर भी जब मैंने इनकी आउटलेट विज़िट की थी काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और मुझे थोड़ा मुश्किल भी हो रही थी वीडियो बनाना, लेकिन जो है फिर भी मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि इनके पास जो है एट द एंड बहुत ही फजूल किस्म के ड्रेसेस जो हैं वो रिमेनिंग थे। और जो इनके सारे के सारे अच्छे और ख़ूबसूरत जो ड्रेसेस थे वो सेल के स्टार्ट में ही सेल आउट हो चुके थे। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग जो है वो इनके आउटलेट से परचेज़ करना चाहते हैं या सफ़ायर ब्रांड की ड्रेसेस परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए जैसे ही सेल स्टार्ट हो आप लोग उनके ब्रांड पे चले जाएं और जाके विज़िट करें। जस्ट 1-2 ड्रेसेस होंगे जो यहाँ पे थोड़े रिजनेबल और देखने में अच्छे लग रहे होंगे, नहीं तो बाकी एट द एंड जो किसी ने परचेज नहीं किए वो लेफ्ट आउट थे, और बाकी जो सारी अच्छी कलेक्शन और अच्छी वैरायटी है वो सब की सब सेल आउट हो चुकी है। इनकी सेल जो थी वो स्टार्ट थी 3 जैन से और एंड थी 12-13 जैन तक। इनकी सेल जो है वो एंड आउट हो चुकी है, और अब जो है ये आपके साथ जो मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी सफ़ायर की वो इनकी न्यू कलेक्शन पे शेयर करूँगी, और जिस पे कोई ऑफ नहीं होगा। आप इसके लिए आपको मेरे साथ जो है वो अपडेट रहना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे ब्रांड्स की सेल्स के बारे में जानना चाहते हैं या सना सफीनास और वर्दा और बाकी खादी निशात इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, इनकी कलेक्शन देखना चाहते हैं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, आप वहाँ से जाके जो हैं वो देख सकते हैं। ये सारी आप इनकी कलेक्शन देख सकते हैं, ये सारी जो है इनकी कलेक्शन है जो कि 14,000-15,000, और शुरू में स्टार्ट में आपने देखा होगा वीडियो के एक प्राइस लिस्ट थी जिसमें आपको बिफ़ोर और आफ्टर की प्राइस रेंज जो है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ड्रेस बिफ़ोर में कितने का है, और आप ख़ुद ही उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं आफ्टर में चेक करके कि आफ्टर में जो है वो आपको कितने तक का मिल जाएगा। इसके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि हम लोग जो हैं बार बार जो है वो किसी को बुलाएं और उनसे पूछें कि इस पर कितने परसेंट ऑफ के बाद इसकी क्या प्राइस होगी और इसकी क्या प्राइस होगी। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने सेपरेटली जो है वो प्राइस लिस्ट जो है वो वहाँ पर अटैच कर दी, और ताकि लोग जो है उनको आइडिया हो सके कि जो वैरायटी अवेलेबल है या जो ड्रेसेस अवेलेबल हैं उनकी वो आपको आफ्टर सेल लाइक अप टू 50% ऑफ था, किसी पे 35% ऑफ था, किसी पे 50% ऑफ था, आफ्टर ऑफ जो है वो आपको कितनी प्राइस रेंज तक अवेलेबल हो सकती है। स्टिल गाइस मैं आपको बताती चलूँ, सफ़ायर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, और सफ़ायर की कलेक्शन अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है,
और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि ये ब्रांड है इस वजह से, और लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं ब्रांड को, और लोग ये इसकी जो परचेजिंग है या बहुत शौक़ से करते हैं, या अगर यहाँ पे सेल लग जाए तो यहाँ पे फिर कुछ भी नज़र नहीं आता। ये तो फिर भी मैंने वीडियो बना ली क्योंकि ये जो है ये सेल एंडिंग पे है, लेकिन सेल के स्टार्ट में भी मैंने आपके साथ सारी वो वीडियो शेयर की थी, वो भी आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर स्टार्ट में मैं सेल के वीडियो बनाती तो मुझे वीडियो बनाने का कोई चांस ही नहीं मिलना था, क्योंकि इतना रश होता है कि आपको जो है वो फोर्सफुली जो है किसी ड्रेस पे जाके लाइक क्या लें कि अटैक करना पड़ता है, या उसको परचेज करने के लिए आपको एक दूसरे से खींचना भी बाज़ अवकात पड़ता है। सो यहाँ पे ये हाल होता है, लेकिन चूँकि इनके पास सारी अच्छी वैरायटी ख़त्म हो चुकी है तो इसीलिए इजीली जो है मैं थोड़ी वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना पा रही हूँ। गाइस इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जस्ट ये थोड़ा सा फ़न था जब कि मैंने आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर की, ताकि आप लोगों को पता चले कि एट द एंड जो है किस तरह का स्टॉक लेफ्ट आउट है इनके पास। और अब इनकी जो न्यू कलेक्शन है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।